हेलो पीपल, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने आपसे कल कहा था कि कल कुछ है, तो ये है कि मैं अपने घर जा रही हूँ दिल्ली और मेरी फैमिली को नहीं पता है। लास्ट में गई थी दिवाली पे, तभी मैंने सरप्राइज़ दिया था और मैं आपके साथ थी, और आज मैं फिर से जा रही हूँ दिल्ली और मेरी फैमिली को नहीं पता है और ये उनके लिए ज़बरदस्त वाला सरप्राइज़ है। ये सडन प्लान पता है कैसे बना? मेरा नेफ्यू एवरी डे मुझे फ़ोन करके बोल रहा है, बुआ प्लीज़ आ जाओ, बुआ आपकी याद आ रही है, बुआ मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो यार, इतना मेरा बच्चा मुझे मिस कर ही रहा है, पहुँच जाते हैं उसके पास और उसके लिए तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाला है, बिकॉज़ वो मुझसे थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल पर भी बात कर रहा है। इनफैक्ट वो एवरी डे मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और इसे पता चलेगा कि मैं आ रही हूँ, मैं पहुँच रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ तो आज मैं भूखी नहीं मर रही हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट में भी टाइम है और मुझे पहुँचते पहुँचते कुछ शाम के 4:30 बज जाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए तो ले ही लेती हूँ सबवे, क्योंकि एयरपोर्ट पर मुझे और कुछ समझ नहीं आता है तो सबवे सबसे बेस्ट है। अभी अभी जस्ट मम्मी का फ़ोन आया, मुझे पूछे बेटा कैसी है, क्या है, इधर उधर की बातें करी है, उनको नहीं पता कि मैं 2 घंटे में उनके पास पहुंचने वाली हूँ। जी हाँ, वेज वाले काउंटर पे काफ़ी भीड़ है तो वेट करना पड़ रहा है। 15 मिनट हो गए यहाँ खड़े खड़े, नंबर ही नहीं आ रहा। 1 वेजी डिलाइट, मल्टीग्रेन हनी ओट, नो चीज़ फॉर मी, ऑल द वेजेस एक्सेप्ट ऑलिव्स एंड कैप्सिकम, यू डोंट हैव लेटस? नो। व्हाई? Without lettuce, it's very boring. That's it. Thank you. राशन पानी ले लिया हमने, तो अब निकलते अपने गेट की तरफ। देखो जी क्या होता है, जब भी गेट की तरफ जा रहे होते हो रास्ते में आपको फूड कोर्ट मिल ही जाता है, फिर आपको मन कर ही जाता है, फिर आप कुछ ना कुछ ले ही लेते हो और कुछ ना कुछ खा ही लेते हो। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, चलना आपको बहुत पड़ता है। गेट नंबर 52, गेट नंबर 52 और आ गया यार अभी तक। चले चलो, चले चलो। बैठ गए हैं फ्लाइट पे। सबसे अच्छी बात बताने तो आपको भूल ही गई, मेरे साथ वाली सीट कोई नहीं है और मैं आराम से सोते हुए हाथ फैला के सर ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी सो सकती हूँ, ऐसे भी सो सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो जी जस्ट लैंड किया है, एयरबस का वेट कर रहे हैं। दिल्ली का वेदर की बात करें तो ऐसा है कि एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, ऐसी हवा चल रही है जिसे लू कहा जाता है, और हमारी एयरबस आ चुकी है तो चलते हैं एयरबस के अंदर। व्लॉगिंग करते करते क्या हुआ, ऐसे हमारे को पैसेंजर हमें मिल गए और मुझे पूछने लगे आप फुल टाइम ब्लॉगर हो? तो मैंने कहा हाँ जी हूँ। मुझे कुछ पूजा पूजा तो ये पूजा जी है जिन्होंने अभी अभी हमें सब्सक्राइब किया है, पूजा हमारी ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं खुद का प्रमोशन करती रहती हूँ। कैब में बैठ चुके हैं, घर की तरफ पहुँच रहे हैं। घर में किसी को आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ और घर वालों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। घर पहुँचती हूँ और सबका रिएक्शन आपको दिखाती हूँ।
इतनी मुझे रोने ही लगी। और कैसा भाई? घर में आने आना नहीं है, फिर आ गई है। सीधा मेरी मासी के घर जा रहे हैं। मेरी मासी पास में शिफ्ट हुई है हमारे घर के, उनके घर के अंदर जा रहे हैं। उनका रिएक्शन इधर। हेलो पीपल, हेलो, तो तुम्हें पहली बार मिली हूँ। ये मेरी कजन की बेटी है वान्या। मेरी मौसी। ये मेरा है रमनीक लाल, मतलब रमन। हाउ आर यू? गुड भाई, तू कैसा है? कैसा है मेरा मुट्ठा? कल तो सही करने दो। कितनी प्यारी तो लग रही है, दिखा तो सही। ये तो देखना है पूरी कहानी। कितने जा रहे सी? तो फिर निकलो आप ही। मेरी जगह नहीं ले सकते? नहीं, मैं किसी की जगह नहीं ले रही। इसकी जगह नहीं है, मुझे समझ नहीं है। इसका मेरा बॉन्ड ही अलग है। ये मेरा बचपन का प्यार है, इसको मैं भूल ही नहीं सकती। चाहे ये मेरे से कितने भी दूर हो जाए, अभी देख कितने दूर हो। तो ये मेरी कजन है रेनू, और ये रहती है ग्वालियर में। इसकी शादी हो गई है, काफी साल हो गए, और इसकी लास्ट में इसको इयर्स देखो लिटरली तो 7 साल पहले इसकी शादी हुई थी, और मैं इसकी शादी पे लास्ट इसको मिली थी। उसके बाद मैं इसको मिली नहीं हूँ, और मैं फाइनली इससे मिली हूँ। और इसकी जो छटकू बेटी है, एकदम छोटी मोटी मोटी, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। सॉफ्ट है, पता है कौन हूँ? यू आर आस्किंग मी ना, कौन हूँ? मासी हूँ। तो किची दे ऑल। ओए तो बड़ी क्यूट है यार। मेरे को तो बताना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं? आर यू? मुझे इंट्यूशन हो ही रही थी, पता है। मैंने अभी देर मेरा सब बोलते हैं थोड़ी देर पहले मम्मी आपको देख रही थी ना, मैंने यही बोलते हैं किसी को पता नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था ये दिल्ली तो नहीं आ रही। चलो, बहुत गर्म है यहाँ। यहाँ मेरा सरप्राइज फेल नहीं हुआ, हो गया। मेरे अभी कह रही है मेरे को तो पता ही नहीं था। और रमनीक कैसा चल रहा है तेरा? कितना बड़ा हो गया यार, ये कितना बड़ा हो गया। दाढ़ी मुझे आ गई एकदम। ये बैग बैग लेके जा कर रही है तू? किधर चली? कहाँ जा रहे हो आप लोग? फतेहनगर। क्या करने फतेहनगर? गुरुद्वारे। चलो फिर गुरुद्वारे चलो। चलो अति, आप देख सकते हो मुझे किस तरह से हड़पा गया है। मेरे कपड़े पूरे उतरवा के खुद पहन लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये रूप मेरा था, ये पूरी तरह से मुझे आते ही हड़प लिया है। और हमारे घर, हमारे घर आयो, हमारे घर में रहने। हमारा नहीं बेटा, बेड हमारा, पहले मेरा था, तुम्हारा बाद में हुआ। नहीं बेटा, जो हम यूज करके फेंक चुके हैं वो आपको मिला है। चुप रहो। इतना पता था लीना और उमेश में क्या क्या देगी तो सरप्राइज दे। ये हमेशा का आपका, जब सरप्राइज मिल जाता है उसके कहते मुझे तो पता था ये आ रही है। ऐसे तो नहीं होता है, मैं तो सरप्राइज देगी, सरप्राइज देगी बस। सब अपने बच्चे तो पता है। ये मासी, ये माँ, दोनों साथ में एक जैसी बातें करती है, मिलजुल के रली मिली बातें इनकी। बहुत लेम लग रहे हो। ये मेरी माँ और मासी दोनों शुरू हो गई है। देखा, मैं जो गाती रहती हूँ कहाँ से मिला? इनसे। चांसली ऐसा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई। अगर मैं जल्दी ना आती तो मुझे सरप्राइज मिल जाता। ये सब लोग जा रहे हैं फतेहनगर गुरुद्वारे, और तिलकनगर जा रही है। मुझे भी साथ में घसीट के ले जाया जा रहा है गुरुद्वारे। तो मासी का ये कहना है तेरे नसीब में गुरुद्वारे जाना था, लिखा हुआ था। तो चलो जी, निकल चले हैं फतेहनगर गुरुद्वारे के लिए। इसी बहाने आपको भी गुरुद्वारा दिखा देंगे।